जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे मंदिर, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के यहाँ पे लड़के और लड़कियों की शादी होती है। एक तरफ जो है कि फेरा लिया जाता है, दूसरे तरफ जो है कि अल्लाह हू अकबर या जो कह लिया जाए कि कबूल कबूल कहा जाता है इस मंदिर पे। और दोनों समुदायों का शादी होती है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की शादी इस मंदिर पे होती है। और वह शादी जो करवाते हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं रमेश यादव जी, जो कि 2 बार जिला पंचायत रह चुके हैं, इस समय समाजवादी पार्टी में इनको पद ग्रहण है। और हमारे साथ एक साधु जी हैं जो कि हमारे चाचा के समान हैं दोनों लोग, लेकिन इनका आज इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं और वह चीज़ें मैं दिखा रहा हूं। आप लोग यह सुने नहीं होंगे कि किसी मंदिर पे किसी हिंदू का तो शादी जो है कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय का शादी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले परिचय, मैं रमेश यादव एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आकर के यहाँ पे इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह किन का मंदिर है? यह औढ़र महादेव का मंदिर है और यह लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर है। इस गांव के का कोई भी बुजुर्ग आज तक ये बता नहीं पाया कि अब कब का बना हुआ है, लेकिन जो अभिलेखों के अनुसार यह पड़ताल किया गया तो लगभग यह 700 से 800 वर्ष पुराना यह शिव मंदिर है, जो औढ़र महादेव के नाम से सुविख्यात है। और यहाँ पे तमाम बहुत सिद्ध महापुरुष यहाँ पे तपस्या करके इस मिट्टी को जगाने का काम किया है। आज उन सिद्ध पुरुषों की देन है कि यहाँ पे बहुत बहुत कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन्हीं महापुरुषों की तपस्या के बल पे यहाँ पे लगभग 125 बेटियों की शादी कराई जा चुकी है। और मैं आपसे यह कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मदद के लिए जैसे हाथ पसारने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि लोग अपने प्रेरणा से आकर के यहाँ पे इस कार्य में जो है सहयोग करने का काम किए। मैं राठी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सीधे मुंबई से चलकर आए आदरणीय श्री भानु प्रकाश राठी और उनकी धर्मपत्नी, और जब भी यहाँ पे शादी का विवाह का कार्यक्रम होता है तो वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, साथ ही क्षेत्रीय जनता भी अपना बहुत बहुत योगदान देती है। राठी जी का हमारे चैनल पे इंटरव्यू जो है कि देख चुकी है जनता जी। मैं आपसे इस मिट्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी अगर पवित्र संकल्प लिया जाता है तो वह पूरा होता है, और पूरा होते लोगों ने देखा है। आपने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम बेटियों का और हिंदू बेटियों का जो शादी और निकाह, यह तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है। भगवान भोलेनाथ की दरबार में आप जाएंगे देखेंगे तो जो भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है वो विविधताओं का परिवार है, और विविधताओं के परिवार होते हुए भी भगवान भोलेनाथ सबको एक में बांधे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की जो बेटे हैं गणेश हैं, उनका जो सवारी है मूस है, माता पार्वती की सवारी जो है शेर है, और भगवान भोलेनाथ का सवारी बैल है, और भगवान भोलेनाथ के गले में जो है सर्प है, और भगवान के दूसरे पुत्र कार्तिक का जो सवारी मोर है। आप बताइए मोर से और सर्प से कितनी बड़ी दुश्मनी है, बैल से और शेर से कितनी बड़ी दुश्मनी है, सर्प से और मूस से कितनी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन सभी लोग एक ही परिवार में बंध के रहते हैं और भगवान सबको इकट्ठा करके रखते हैं। इससे जो है समाज में संदेश जाता है, और भगवान संदेश देते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं लेकिन सबको मिल के रहना चाहिए, सबको एक होकर रहना चाहिए। यह धरती सब लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, तो सभी लोगों के सुखी की कामना कर करके समाज में हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करना चाहिए, हमें इंसान और इंसानियत की बात करना चाहिए। हम लोग इंसान और इंसानियत की बात करते हैं, और इसी सूत्र को लेकर के जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान और ईसाई बेटियों की शादी कराने का काम है।
तो आपके समाज के लोग जो है कि कुछ और नहीं कहते हैं कि आप यहाँ पे मुस्लिम और जो है कि अन्य समुदाय के लोगों का जो है कि विवाह करवाते हैं? तो ऐसा कोई कहने वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत सब लोग ये सुन करके प्रसन्न होते हैं। और सब लोग यह कार्य जो होता है किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता है कि यह कार्य होता है कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं करा रहा हूँ, ये तो पूरे समाज और भगवान भोलेनाथ की कृपा और सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरु जी महाराज जी की कृपा से होता है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए तो हिंदू जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनका विवाह तो आप कराते हैं, लेकिन यह विचार कैसे आया कि और अलग समुदाय के मंदिर पर लाकर जो है कि शादी करवाएं? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जगह जगह शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं और हम सद्भावना की बात करते हैं तो हमारे मन में प्राय आता है कि मैं जब कहीं भी भाषण देता हूँ, कहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ फिर अपने अंदर झांकता हूँ कि मैं जो बोला हूँ मूल रूप से वो यथार्थ में उतार रहे कि नहीं है। जगह जगह जाके लोग बोलते हैं कि सभी लोग इकट्ठा रहिए, सभी लोग हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। अभी सद्भावना हो रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, अगर आपस में भाई हैं तो निश्चित रूप से वह धरातल पे दिखना चाहिए। एक भाई दूसरे बहन की रक्षा की बात करे, दूसरे भाई दूसरे बहन की रक्षा करे, तब ना आपस में भाई भाई रहेंगे, नहीं तो कैसे भाई भाई रहेंगे? केवल मुंह से बोलने से तो भाई भाई नहीं रहेंगे। जब एक हिंदू भाई मुसलमान बेटी की रक्षा की बात करे और मुसलमान भाई हिंदू बेटी की रक्षा करे, बेटी बहन की रक्षा करे, और सिख ईसाई अन्य समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए आगे, और बहुत लोग आगे भी आते हैं समाज में, तमाम अच्छे लोग हैं और तमाम उपद्रवी लोग भी हैं जो समाज में उपद्रव करके समाज में दुर्भावना पैदा करने का काम करते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और गंदे लोगों की कोई जगह नहीं, उनकी कोई जात है, न कोई बिरादरी है, न उनका कोई मजहब है, उनका एक ही बिरादरी है बस, अगर दुष्ट है तो दुष्ट है, उसमें कोई दुराय नहीं, और सज्जन है तो सज्जन है, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, आप राजनीति से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो अभी 10 विधानसभा यानी कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो भी विधायक थे वो छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़े हैं और जीत भी गए हैं, इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सीट है वो अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट है, और अयोध्या में बहुत भूचाल ऐसा आया है चुनाव से पहले कि एक समाजवादी पार्टी की यानी कि आपके पार्टी से एक मुस्लिम समुदाय के थे जिन पे आरोप लग रहा है कि वो रेप किए हैं 2 साल की बच्ची से, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अगर जो भी कोई अगर गलती किया हो तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है, जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से कार्य होना चाहिए, और निर्दोष को फंसना भी नहीं चाहिए। यह नहीं कि कोई राजनीतिक कारणों का शिकार हो जाए और राजनीतिक बस जो है उसे फंसा दिया। तमाम ऐसे उदाहरण आए हैं कि राजनीतिक बस दुर्भावना बस फंसा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर उसमें सत्यता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और एक पक्ष का तो DNA टेस्ट हो गया लेकिन दूसरे पक्ष का अभी नहीं हुआ, उनका भी होने वाला है। तो बिल्कुल, अगर DNA टेस्ट दूसरे पक्ष का हो जाएगा तो वो तो समाज के और कोर्ट के और प्रशासन के शासन के आम लोगों के सामने आ जाएगा और उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है हम, इंसान बनेंगे। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। अयोध्या की जागरूक और प्यारी जनता ने यह संदेश दे दिया है कि राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, और राम तो एक विचार, राम केवल मंदिर में नहीं हो सकते, राम हम में तुम में खड़ब खम में सबे व्यापी राम, राम सबके अंदर हैं, और जो राम को केवल बाहर देखता है निश्चित रूप यह धोखा है, मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए साथियों, जो है कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं इंसान बनेंगे, इस मंदिर को हम दिखा रहे थे। इस मंदिर पे हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई सभी धर्मों के बहन बेटियों की बच्चों की शादियां होती है, उस मंदिर को हम दिखा रहे थे, और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो यहाँ की जनता की, और यहाँ पर सबसे मूल रूप से अगर जाता है
सकते हैं इन दोनों लोगों को, और जिसमें कि रमेश यादव जी को इनका इसका श्रेय मूल रूप से जाता है। और हमारे सभी दर्शक जितने हैं वो देख रहे हैं, उनके तरफ से और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।